खबर अब सीतापुर से, जहां पर महिला सिपाही ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। थाना परिसर में बने आवास में ही महिला सिपाही ने यह कदम उठाया, खुद को गोली मारी और खुदकुशी कर ली। सरकारी पिस्टल से महिला ने खुद को गोली मारी है। शोभा चौधरी नाम की ये महिला सिपाही जिसने आत्महत्या की, बुलंदशहर की रहने वाली थी। खैराबाद थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, महिला सिपाही के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है, वजह जानने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार महिला पुलिसकर्मी ने ये कदम उठाया तो क्यों उठाया, खुद को सरकारी पिस्टल से गोली क्यों मारी। थाना परिसर में बना था उनका आवास, उनका घर जहां पर वो रहा करती थी, वहीं पर उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया, इस तरह से अपने आप को सरकारी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर तफ्तीश जारी है, मामले की जांच पड़ताल अभी चल रही है। इस महिला पुलिसकर्मी के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश हो रही है ताकि वजह का पता लग सके, किन परिस्थितियों से हाल फिलहाल में ये महिला पुलिसकर्मी गुजर रही थी, क्या कुछ वजह रही होगी महिला सिपाही ने जिस तरह से खुद को गोली मारी। सुधांशु पुरी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ सीतापुर से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सुधांशु, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें कि ये सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र का यह मामला है और जो ये शोभा चौधरी नाम की महिला है वो सीतापुर में और खैराबाद थाने में 2 साल से यह तैनात थी। बुलंदशहर की रहने वाली बताई गई है। हाँ। पुलिस ने जैसा बताया बुलंदशहर की रहने वाली है और इनके हस्बैंड भी जो है वो पुलिस में ही है लेकिन बुलंदशहर की तरफ कहीं तैनात है, लेकिन अभी कोई कारण का पता नहीं चल पाया है। हमने पूछने की बहुत कोशिश करी लेकिन अभी कोई कारण नहीं बता पा रहा है कि किस लिए इन्होंने अपने आप में गोली मार ली या आत्महत्या कर ली। लेकिन अभी भारी पुलिस बल तैनात है, एडिशनल एसपी और मौके पर पहुंच गए हैं और जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा कि जो है किस वजह से जो है इस महिला ने अपने आप में गोली मार दी है। जी सुधांशु, जिस आवास में ये महिला सिपाही रहा करती थी, क्या वहां पर अकेली रहा करती थी या कोई और भी साथ में रहा करता था, जिनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही होगी? देखिए, आपको बता दें कि जैसा कि हमारी एसओ खैराबाद से इस मामले में बात हुई, उनसे हमने कहा कि जो है प्रथम दृष्टि आपको क्या लग रहा है, क्वार्टर में महिला अकेले रहती थी या क्या, कहीं कि उनका ये कहना है कि हम इस पर जांच कर रहे हैं और अभी लगातार फोन आ रहे हैं, मौके पर एडिशनल एसपी और सब पहुंचे हैं, उनकी जांच भी चल रही है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि उन वजहों का पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से, क्या कोई पारिवारिक कलह थी या कोई अन्य वजह थी, उन वजहों का पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से यह गोली मारी गई है। कुछ ही देर में उन्होंने कहा है कि अपडेट कर दिया जाएगा इस वक्त। ठीक है सुधांशु, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त। हमारे साथ एएसपी महेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। महेंद्र जी, आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आवाज महेंद्र जी, क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ कहा जा रहा है? शोभा चौधरी नाम की जो महिला सिपाही जिसने आत्महत्या की है, वजह क्या कुछ अब तक पता लग पाई है जांच पड़ताल में? अभी सर जांच पड़ताल में जो उसके कलीग थे उनके द्वारा बताया गया कि कुछ उसको उसकी शादी में कुछ उसकी प्रॉब्लम थी जिससे वो परेशान रहती थी। हाँ। और अभी प्रथम दृष्टया यही मामला जो है उसके जो साथी है, जो साथी कांस्टेबल महिला कांस्टेबल है। हाँ। वो बता रहे हैं। बाकी पूरी डिटेल जब उनके परिजन यहाँ आ जाएंगे उनसे पता चलेगा कि क्या मामला। अभी परिजनों से बातचीत नहीं हो पाई है? नहीं, अभी परिजनों से बातचीत नहीं हो पा रही है, वो लोग अभी रास्ते में हैं, आ रहे हैं, आने के बाद फिर उनसे बातचीत होगी। सर, ये जो महिला सिपाही जिन्होंने ये आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया है, कितने समय से वहाँ पर तैनात थी? ये 2017 से तैनात थी वहाँ पर। 2017 से थाने पर तैनात थी और कभी इससे पहले भी कभी कोई शिकायत नहीं आई, नहीं कोई ऐसी बात उसने कहीं बताई है। हाँ? और जो वहाँ का स्टाफ है वो स्टाफ भी बता रहा है कि कहीं पर भी किसी स्टाफ से या थानाध्यक्ष से उसने अपनी कोई समस्या इस तरह की नहीं बताई थी। उनके आसपास जो अन्य कर्मचारी काम कर रहे होंगे, क्या उन्होंने भी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया पिछले 2-4 दिनों से, कुछ वो मानसिक तौर पर वो परेशान चल रही हो या ऐसा कुछ उनका उन्होंने जिक्र किया हो? इवन जो उसके कार्यालय में जो मेल कांस्टेबल उसके कार्यालय जो काम कर रहे थे वो भी इस बात को नहीं भाप पाए। सुबह जो है जब वो अपने काम पर आए सुबह जो है, इसके बाद वो जो कांस्टेबल मॉरिर होते हैं हमारे थाने के जो कार्यालय देखते हैं, वो किसी काम से बाहर गए और वहाँ पर पिस्टल रखी हुई थी जो जमा करने के लिए दरोगा द्वारा दी गई थी और मौका देख। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची सर आपके पास?
अपने थाने से ही पता चला, मुझे थाने से ही बताया गया जी। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर। एसपी सीतापुर इस वक्त हमारे साथ महेंद्र चौहान जी जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि संभवतः पारिवारिक कलेश की वजह से, विवाद की वजह से ये महिला परेशान चल रही थी, जो कि पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थी, जिसने ये आत्महत्या जैसा कदम उठाया। फिलहाल परिजनों का इंतजार किया जा रहा है, परिजन वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके हस्बैंड भी वहां पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद फिर मामले में आगे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कन्नौज बस हादसे को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में शुरू हुए फायर स्टेशन का काम नहीं रोका गया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अखिलेश यादव ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है, साथ ही ऐसी घटना ना हो इसके लिए सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की। तो टाइवा पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया, कन्नौज बस हादसे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने फायर स्टेशन का हमारे द्वारा किया गया काम रोका, इसी वजह से यह हादसा हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, फायर स्टेशन के काम को नहीं रोका गया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। शिवरामऊ के थे, कई नेताओं ने फोन किए, कई शिवरामऊ के हमारे समाजवादी साथियों ने संदेश भेजे। मैंने कहा कि ये जो जल रही है, जो कुछ मदद कर सकते हो वो मौके पर मदद करो, लेकिन आग इतनी भयंकर थी, आग इतनी तेज थी कि टकराने के बाद तुरंत आग लग गई और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, क्योंकि संख्या अभी सरकार ने नहीं बताई है। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि 50 लोगों से ज़्यादा जान गई है, जिसमें बच्चे भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, और जो लोग जयपुर जा रहे थे फरक्काबाद के, कमालगंज के, गुड़साईगंज, उन लोगों की जान गई है। मेरा मानना है कि वहीं पर पास में समाजवादी सरकार ने एक फायर स्टेशन बनवाया था, और अगर वो फायर स्टेशन समय से काम करने लगता और इस सरकार ने अगर उसको काम को पूरा किया होता तो बड़े पैमाने पर लोगों की जान बच जाती। कई घंटों बाद पुलिस पहुंची है, कई घंटों बाद और अधिकारी पहुंचे हैं, तब जाकर के जो कुछ मदद कर पाई है। मैं चाहता हूँ सरकार इसमें मरने वालों को कम से कम 10 लाख रुपए दे और आने वाले समय में ऐसी घटना न हो उसके लिए कार्रवाई करे। सुनने में यहाँ तक आया है कि उसका परमिट था कि नहीं था, अधिकारियों से कैसे लाइसेंस ले लिया, बस जो बनी थी वो सुना है कि ज़्यादा यात्री ले जाने की वजह से उसकी लंबाई बढ़ाई हुई थी, तो ज़्यादा आदमियों को ठूसना, दरवाज़ा ना होना, इमरजेंसी गेट ना होना, ये बहुत ही दुर्भाग्य है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठे हैं, एक सवाल नहीं उठा है। अभी आईपीएस ने आईपीएस के बारे में बताया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और जो बस जली है, अगर सरकार ध्यान देती तो बस नहीं जलती। वही मैनपुरी से प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। जेएनयू में दीपिका पाडुकोण के पहुंचने के विरोध में शिवपाल यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को विरोध नहीं करना चाहिए था, जो लड़कियों पर एसिड अटैक हुआ उस पर फिल्म बनी है, टूटे देश से देश के अंदर भ्रम फैलाने का काम करते हैं बीजेपी के लोग। और इस तरह से दीपिका के विरोध पर शिवपाल यादव का यह बयान सामने आया है। बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि टूटे देश में भ्रम फैलाने का काम बीजेपी की तरफ से किया जाता है। मैनपुरी में दरअसल एक मासिक बैठक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए शिवपाल यादव पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हुआ है, वो तो न तो जनता की राय ली गई है, न किसी भी दल की राय ली गई है, और ये संशोधन अधिनियम जो पास हुआ है देश हित में नहीं है, तो उसकी वजह से पूरे देश में आग लगी हुई है। और उसमें भी देखिए जो NRC और ये सब चल रहा है और उसमें कई धर्मों के तो नाम ले लिए, अगर मुसलमान का नबी नाम उसमें जोड़ लिया जाता
तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। अध्यक्ष जैसे अभी जेएनयू में इन्होंने देश को बांटने का काम किया, जो देश की एकता थी या अखंडता थी उसको बांटने का काम किया। देखिए जो नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हुआ है, तो मैनपुरी पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने यह बयान दिया है कि बीजेपी को विरोध नहीं करना चाहिए था, जो लड़कियों पर एसिड अटैक हुआ उस पर फिल्म बनी है, ऐसे में फिल्म का विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यही नहीं, बीजेपी के लोगों के ऊपर एक बार फिर से शिवपाल यादव लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाते नजर आए। और बात करेंगे लखनऊ में होने वाले युवा महोत्सव की, जिस पर मंत्री उपेंद्र तिवारी का बयान सामने आया है। 28 अवार्डियों को उपेंद्र तिवारी ने सम्मानित किया। जी हां, युवा महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है, ऐसे में 23वां युवा महोत्सव लखनऊ में हो रहा है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभाएं निखरती है और इसी मकसद के साथ ये युवा महोत्सव रखा गया है। स्वामी विवेकानंद सभागार में युवा एकत्रित होंगे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर महोत्सव का शुभारंभ होगा। बता दें आपको कि 12 जनवरी से 16 जनवरी तक ये युवा महोत्सव लखनऊ में चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 16 जनवरी को इस महोत्सव में समापन समारोह में सम्मिलित होती नजर आएंगी, घोषणा करेंगी। हर जनपद से 2 यूथ आइकन यूथ महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। युवा उत्सव कार्यक्रम से पूरे विश्व के युवा प्रभावित होते हैं और महोत्सव में प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 1,50,000 का इनाम दिया जाएगा, तो वहीं द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को 1,00,000, तीसरा पुरस्कार पाने वाले को 50,000 की धनराशि इनाम में दी जाएगी। तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े सितारे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 12 जनवरी से इस युवा महोत्सव की शुरुआत होगी, 16 जनवरी तक चलेगा, यानी कि 5 दिवसीय ये युवा महोत्सव कार्यक्रम रहेगा लखनऊ में। इसके मद्देनजर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और कहा जा रहा है, जानकारी के मुताबिक तकरीबन 7,000 के आसपास प्रतिभागी देश भर से इस युवा महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आएंगे और अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे, अपना अपना हुनर दिखाएंगे। स्वामी विवेकानंद सभागार में युवाओं के एकत्रित होने को लेकर सारी तैयारियां वहां पर की जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर इस महोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसका समापन 16 जनवरी को होगा। तो 12 से 16 जनवरी तक ये कार्यक्रम रहेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 16 जनवरी को समापन की घोषणा करेंगी और हर जनपद से 2 यूथ आइकन यूथ महोत्सव में शामिल होंगे, युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। युवा उत्सव कार्यक्रम से पूरे विश्व के युवा प्रभावित होते हैं, ऐसे में पूरे जोरों शोरों के साथ, तमाम तैयारियों के साथ ये युवा महोत्सव, इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कल यानी कि 12 जनवरी को इसका आगाज होगा और 16 जनवरी तक चलेगा। इस तरह से प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही तो हुनर निखरते हैं। 28 अवार्डियों को उपेंद्र तिवारी ने सम्मानित भी किया। युवा महोत्सव उत्तर प्रदेश में ये आयोजित हो रहा है, ये गर्व की बात है उत्तर प्रदेश के लिए भी, लखनऊ के लिए भी। भाग्य है कि 23वां राष्ट्रीय उत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर हो रहा है। यह युवा उत्सव का कार्यक्रम प्रत्येक साल किसी न किसी राज्य में होता रहा, लेकिन यह हमारा भी सौभाग्य और हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भारत सरकार ने यह इस बार का युवा उत्सव स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर यह होता है 12 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक मनाने का यह निर्णय हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर किया है। इसके लिए हम भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय खेल मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि भारत सरकार ने फैसला लिया, उनका यह सौभाग्य। तो महोत्सव में माननीय अवस्थी मनोज तिवारी जैसे बड़े चेहरे शामिल होने पहुंचेंगे, जो युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए। 7,000 के आसपास प्रतिभागी इस युवा महोत्सव में हिस्सा लेते नजर आएंगे, अपनी अपनी कलाओं के जरिए अपने अपने हुनर को प्रदर्शित करते दिखेंगे। ये 23वां युवा महोत्सव जो कि लखनऊ में होने जा रहा है और ये गर्व की बात बताई है। प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभाएं निखरती है। स्वामी विवेकानंद सभागार में युवाओं के एकत्रित होने को लेकर सारी तैयारियां भी कर ली गई है। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने ये बयान दिया है युवा महोत्सव का। अम्बेडकर जी हैं जो अभी आ रहे हैं,
और इसी तरीके से श्री आर के विश्वजीत जी इम्फाल से आ रहे हैं, जो नशा विरोधी अभियान में लंबे समय से आंदोलनरत है। और इसी तरह प्रसून जोशी जी हैं जो अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं, कवि और फिल्म के उसमें, और एक प्रशासनिक क्षेत्र से आ रहे हैं जो लोक सेवा में हैं, श्री अमिताभ कांत जी जो नीति आयोग में CEO हैं दिल्ली में। तो इस तरीके से 10 लोग आ रहे हैं। वहीं कन्नौज बस हादसे पर यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अग्निकांड में मारे गए लोगों के प्रति मैं श्रद्धांजलि देता हूं, परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूं। लोगों की जान भी बच सकती थी अगर बीजेपी सरकार संकीर्ण राजनीतिक सोच की वजह से सपा काल में बने फायर स्टेशन को बंद नहीं करवाती, जो घटना स्थल से केवल 10 मिनट की दूरी पर बना था। दुखद। कुछ इन शब्दों के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व CM भी रह चुके हैं, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों की इस हादसे में जान बचाई जा सकती थी अगर बीजेपी सरकार संकीर्ण राजनीतिक सोच के तहत सपा काल में बने फायर स्टेशन को बंद नहीं करवाती, जो कि घटना स्थल से महज 10 मिनट की दूरी पर था। वही उत्तर प्रदेश में खुलेगा स्वास्थ्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जी हाँ, लखनऊ PGI में इसे बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के 28 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रही है। PGI की मदद से नई स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का इस तरह से विकास किया जा सकेगा। PGI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नई सुविधाओं को तैयार किया गया है, सेवाओं को तैयार किया गया है और इसका पेटेंट भी होगा। PGI और ITI एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करार होगा। यही नहीं, यूपी चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए अनुमति भी दे दी है, यानी कि रास्ता इसका लगभग साफ हो गया है और अब जल्द ही ये उपहार भी मिलेगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का ये पहला स्वास्थ्य का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।